गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीषा साहू, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेहरा ललितपुर। डीएलएड फर्स्ट सेम का जो विषय है विज्ञान शिक्षण, उसकी सेकंड यूनिट वनस्पति जगत, इसका अध्ययन हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पत्ती, फूल एवं बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। अब हम बीज का अध्ययन करते हैं। बीज सीड क्या होता है? फल के अंदर बीज पाया जाता है। इसमें सुषुप्ता अवस्था में, यह सोई जो अवस्था होती है उसमें एक जो बीज होता है वह भ्रूण अवस्था में रहता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। नए पौधे के जन्म होने के कारण यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। विकसित होने के बाद बीज अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, जिसे हम बीजावरण या बीज आवरण कहते हैं। इसके अंदर एक अविकसित सुप्त पौधा भ्रूण रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष में होने के कारण भ्रूण पोष परिवर्धन के पश्चात मूलांकुर एवं प्रांकुर अवस्था में जन्म देता है। मूलांकुर वर्धन से मूलतंत्र एवं प्रांकुर वर्धन से पौधे के प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। अब जो बीज के कार्य होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तो बीज का जो मुख्य कार्य होता है वह नए पौधे को जन्म देना है, जिसके कारण कुछ पौधों के बीज जो अपने भोजन संचित करने के कारण भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं? जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, मटर आदि। इसके बाद पौधे और जो जंतुओं की उपयोगिता है वह हमारे लिए किस किस तरीके से उपयोगी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो पौधों की उपयोगिता है वह हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है? तो पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। पौधों के बिना मानव का जो जीवन है वह बहुत ही असंभव है। पौधे अपने जीवन का मूल स्रोत हैं एवं मूल आधार हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं एवं CO2 ग्रहण करते हैं। तो जो CO2 होती है वह वातावरण से प्राप्त होती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए एवं हमारे संपूर्ण परिवेश के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधे हमारे भोज्य पदार्थ एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो पौधे हैं वह विभिन्न रूपों से हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके बाद जो इन्हें हम कई समूहों में विभक्त कर सकते हैं, तो जैसे कि जो पहला है अपना, जो खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं जो पौधे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं। पौधे हमारे लिए खाद्य पदार्थ का प्रमुख स्रोत हैं एवं प्रमुख आधार है। यह हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो पहला है अनाज। अनाज क्या है? जो अनाज हमें कौन कौन से रूप में प्राप्त होता है? तो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि सभी अनाज श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और यह हमारे लिए भोजन का मुख्य आधार है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत भी हैं। इनसे हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं अनाज। इसके बाद कुछ अनाज हमें दालों के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो जो दालें होती हैं वह चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग आदि, यह मुख्य दालें होती हैं जो प्रोटीन से परिपूर्ण होती हैं और यह हमारे भोजन का मुख्य स्रोत भी हैं। जो दालों में पोषक तत्वों की मात्रा होती है वह 17 से 30% तक प्रोटीन युक्त रहती है। इसके बाद आती है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? गाजर, पालक, टमाटर, आलू, मिर्ची, गोभी, प्याज आदि मुख्य सब्जियां होती हैं। सब्जियां भी वह हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है, जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण रहती हैं। इनमें विटामिन, खनिज लवण, गाजर, पालक, टमाटर आदि बहुत सारे विटामिन ए हमें इनसे प्राप्त होता है। तो जो आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी है, इनमें सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं फ्रूट्स, फल। फल क्या होते हैं? फल अमरूद, जैसे पपीता, केला, अनानास, सेब, संतरा, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, खरबूज आदि, ये हमारे प्रमुख स्रोत हैं भोजन के। और फल रसीले होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। तो जो जल की मात्रा होती है उनमें 90% तक रहती है। फलों में ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं।
फलों से हमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज या शर्करा प्राप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शर्करा, चीनी अर्थात शुगर क्या होती है। तो शुगर हमें गन्ने से प्राप्त एवं चुकंदर से, दो चीज़ों से हमें शुगर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खजूर से भी हमें शुगर प्राप्त होती है। वसा एवं तेल, वसा और तेल यदि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं तो पौधों से सुगंधित और बसीय दो प्रकार के तेल प्राप्त होते हैं, जैसे चमेली, गुलाब, केवड़ा है सुगंधित तेल। और जो सरसों के ऑयल होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वह मूँगफली, सोयाबीन तेल आदि बसीय तेलों से के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं मसाले। मसाले हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। यह हमारे सब्जियों के काम में यूज़ होते हैं। यह हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, जैसे कि अदरक है, हल्दी, लहसुन है, जीरा, तेज़पत्ता, फलों में सौंफ है आपकी, जैसे धनिया, जीरा, इलायची, ये फूल रूप में प्राप्त हमें होते हैं। और जो पेड़ पौधों की जो छाल होती है वह दालचीनी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे, पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? तो पौधों में हमें कई प्रकार के पेय पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो पेय पदार्थ दो रूपों में होते हैं, एक एल्कोहलीय पेय पदार्थ और दूसरा होता है एल्कोहल रहित। तो जो एल्कोहल युक्त होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये नशीले पदार्थ होते हैं, जो शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी और बहुत सारे जो एल्कोहल पदार्थ होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनका हमें उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं, इनमें एल्कोहल प्रचुर मात्रा में होता है और ये हमारे मस्तिष्क में क्रियाशीलता जो होती है उसको बहुत ही कम कर देते हैं। विभिन्न एल्कोहलीय पेय पदार्थ हमें अनेक प्रकार के पदार्थों के किण्वन से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है एल्कोहल रहित पेय पदार्थ, जिनमें एल्कोहल बिल्कुल नहीं रहता। तो एल्कोहल रहित पौधों में कौन कौन से होते हैं? चाय, कॉफ़ी, कोको, ये तीन प्रकार के एल्कोहल रहित पेय पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। इनमें एल्कोहल नहीं होता, फिर भी कुछ एल्कोहल जैसे कि थीन, कैफीन, इनकी उपस्थिति के कारण ये हमें थोड़ा सा ताजगी प्रदान, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके बाद है रेशेदार प्रदान करने वाले पौधे। रेशे प्राप्त करने वाले पौधे भी निम्न हैं। इनमें से जो रेशे प्रदान करते हैं उनसे हम बस चादर, चटाई, बोरे आदि बहुत से उपयोगी चीज़ें हम बना सकते हैं। इनमें से कुछ निम्न है, जैसे कि कपास है। तो कपास हमें, कपास का जो पौधा होता है उसको हम गॉपिशियम बोलते हैं। इसके प्रमुख चार प्रजातियां होती हैं जो बीजों से प्राप्त रेशों से हमें मिलती हैं। तो जो कपास के बीज होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं और इन पर लाखों रोम लगे होते हैं। लाखों रोम लगे होने के कारण कपास के जो फल होते हैं वह धीरे धीरे खुलने लगते हैं और फिर इनके बीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें कपास में कच्चे माल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे हम रुई कहते हैं। रुई को साफ करके इसको धागे नुमा बनाकर और फिर धागे से विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे कि वस्त्र है, चादर है, तौलिया, कालीन, थैले, टेंट, बनियान आदि। तो कपास की जो सहायता से हम कई वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, कई उपयोगी चीज़ें हम वस्तुएँ बना सकते हैं। इसके बाद आता है जूट। जूट का जो नाम है बॉटनिकल नेम है वो कॉर्कोरस नामक दो प्रजातियां होती हैं। तो कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस व कॉर्कोरस ऑटिलेरियस के तनों से हमें प्राप्त जूट या के रेशे प्राप्त होते हैं। और भारत और बांग्लादेश में इनका सबसे 80% उत्पादन किया जाता है। इसकी सहायता से हम रस्सी, चटाई, बोरे, गलीचे आदि का निर्माण करते हैं। पश्चिमी बंगाल में, असम है, जो उड़ीसा है आदि भारत में हम इसके उत्पादन के अग्रणी देश या अग्रणी राज्य हैं। इसके बाद आता है सन। सन भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सन हमें क्रोटिलेरिया जेंसिया नामक पौधे से प्राप्त, तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। इसमें भी चटाई, रस्सी, बोरे, टाट आदि चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो यह हमारे कौन कौन से देशों में है? यह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र आदि देशों में उगाया जाता है। उसके बाद है अलसी। अलसी को हम बोलते हैं लाइनस यूटिटेरियस के तने से प्राप्त एवं उपस्थित इसमें जो परिरंभ के जो तंतु होते हैं उनसे हम रस्सी का निर्माण करते हैं। तो अलसी जो है वह कपड़े, रस्सियाँ, कालीन, कैनवास आदि के द्वारा बनाए जाते हैं।
इसके बाद है आपका कॉपर। कॉपर नारियल कोकस निफिफेरा के फल की जो मध्यवित्ती से प्राप्त रेशे को कॉपर कहते हैं। इससे भी रस्सी, चटाई, गद्दे, गलीचे, जो बसों की सीटें होती हैं आदि बनाई जाती हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।